अच्छा और गौरव स्थिति बनाने के लिए आत्मा की है उन विकारों के अंश को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वैसे का अभ्यास तो हम हर रोज करते हैं, फिर भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। विकारों के जो अंश वंश है वो समाप्त नहीं होते हैं। कभी कभी हमें आवेश आता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी फीलिंग आता है। तो आत्मा ने जो विकारों के अंश बाकी हैं, उनको खत्म करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। शक्तिशाली योगाभ्यास से ही ये काम संभव है। इसलिए जब भी हम अमृत वेले या नमा शाम के समय योगाभ्यास करते हैं, उस समय इसी शक्तिशाली योग में अनुमति करें। उसके लिए परमधाम में जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो मन की बैठक शक्तिशाली, अर्थात बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बाबा ज्ञानश्री हैं तो मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञानश्री हूं। ऐसे पावरफुल जब हम बैठते हैं तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस है उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगते हैं, जिससे ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुमति होती रहती है। अगर हम साधारण रीति से बाबा के पास बैठते हैं तो साधारण स्थिति की ही अनुमति होती है। इसलिए परम धाम में बाबा के पास बैठते समय शक्तिशाली स्थिति में ही बैठना है, तभी अमृत सागर बाप से शक्तियों का अमृत हम प्राशन कर सकते हैं। तो अच्छल अटोल स्थिति, अगर आत्मा में विकारों के अंश होंगे तो स्थिति हलचल में आने की संभावना होगी। माया सूक्ष्म रीति से वार कर सकती है, स्थिति को डोलायमान बना सकती है, इसलिए हमें उसको समाप्त करने का प्रयास करना है।